welcome. Thank you. Thank you for being the part of Vocho Exclusives. Vocho Exclusives is not only like OTT. Vocho Exclusives ko hum ye jaan paate hain ki wo aapke दिल का एक कॉर्नर, धीरे धीरे आपके दिल में उसने एक जगह बनाई है और धीरे धीरे उसने पूरे आपके दिल को घेर लिया है। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं ना ओटीटी, और तो मैं थोड़ा सा वैसे हो जाती हूँ, नहीं खाली ओटीटी नहीं है ना, हम तो आपके दिल पे राज करना चाहते हैं और उसी की कोशिश। जो भी शख्स वॉचो एक्सक्लूसिव्स का हिस्सा बनते हैं, चाहे उसे देखते हुए बनते हैं, चाहे उसे उसका उसमें सीरीज का हिस्सा बनते हैं, चाहे उससे जुड़े हुए ह्यूज टीम है, जो भी शख्स वॉचो एक्सक्लूसिव्स का एक बार ऑन भी करते हैं ना, तो वो हमेशा वॉचो एक्सक्लूसिव्स की एक खासियत है, उसे अपना बना देते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज ये जितने भी सभी हमारे मीडिया के लोग भी हैं, हमारे प्रीशियस आर्टिस्ट हैं और क्रू हैं और हमारे प्रोड्यूसर हैं, ऑफकोर्स डायरेक्टर हैं, एवरीबडी, ठीक है, ऑल वंस अगेन वेलकम। सब गिराती हूँ ना, सर सामने 60 सेकंड से कैमरा गिरो। और क्वेश्चन है, यस सेंटर सर, सेंटर सर, सेंटर हां या गेट 3 2 1 1। अच्छे से पूरा पीछे, मैडम 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 ये सामने सामने यहाँ देखिए। मेरा नाम सिमरजोत है, जैसा आपने अभी हॉल में भी सुना होगा, और मैं वॉचो एक्सक्लूसिव्स हेड करती हूँ, और कंटेंट बेसिकली मेरा फोटो है। तो जो भी हम कंटेंट वॉचो एक्सक्लूसिव्स के लिए रखते हैं या फिर वॉचो एक्सक्लूसिव्स के लिए जो भी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग करते हैं, तो वो मेरे एक काम का आरंभ। एक ऐसा सीरीज है जो हर एज ग्रुप को बांध सकता है, और उसके अंदर इमोशंस है, एक फेस, एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं ये दिखाता है, और किसी भी मोड़ पर किसी की भी जो ये कह सकते हैं कि किसी के लिए वो सिर्फ एक जरिया है कि हमने कुछ गलत करना है, लेकिन उस से दूसरे की जिंदगी कितना बदल सकती है, ये सब पार्ट उस आरंभ में। फैमिली है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, सब। एंड दैट्स द रीजन, आप तो हजार शो बनते जैसे आपने कहा, बहुत शोज आते हैं, बट दिस विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस व्हेन यू वॉच इट, एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट बिकॉज बिसाइड्स वर्किंग हार्ड फॉर इट, इट्स अ ग्रेट स्टोरी लाइन, it's got all the masala, all the ingredients in it to make it a jam-packed, power-packed show. So you should definitely watch it. So you will miss one of the part of that series. So is it okay, like, recap or something? I would believe there should be a recap. I will let Shoram, my director, answer that question. Kahani? कहानी बस एक सस्पेंस है, जैसे मेरे डायरेक्टर शौर्य ने कहा था पहले, सारा मसाला, सारा ड्रामा, क्राइम, फैमिली, इमोशन, एक्शन, सब कुछ मिक्स है, सो
इट्स अ फुल क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल वेब सीरीज एंड हाँ मजा आएगा सबको, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो मेरे किरदार का नाम है श्रीकांत। श्रीकांत एक बड़ा सॉर्टेड शादीशुदा ओवरसीज में रहता है, तो किस चीज़ों की वजह से कुछ वजह की वजह से इंडिया आता है एंड किन चक्रों में फिर हंसता है और क्या होता है फिर वो देखने लगता है, तो बहुत है और मुझे यकीन है कि ये शो ज़रूर चलेगा और बहुत बड़ा हिट होगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग देखेंगे इसे सराहेंगे और सब मेरे सारे जो एक्टर्स हैं, मेरे सारे क्रू मेंबर्स, कास्ट मेंबर्स सबकी प्रशंसा होगी। जी मैंने अभी ये जवाब दिया था कि हाँ वॉचो हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, वॉचो इज ऑल्सो देयर एंड बट इनका जो कॉन्टेंट है, इनका जो कवरेज एंड जो भी वो अवेल कर रहे हैं, ठीक है, सो हाँ जो इनकी जो availability of all the programs इनकी जो शो में है, whether it's international or national, plus जैसे उनके पास live TV, theater and stuff also वो भी है दिखाने के लिए, Watcho is a great app to have, जिन पे हमारे सारे जो citizens है, देशवासी बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर and being a part of our special day. So, मेरे character का नाम स्मिता शर्मा है, जो कि like it's a very thrilling role for me and challenging also because I've played something which I've never experienced before. Like I'm playing 8 months pregnant lady. So of course it's a great feeling for being a mother. But how life takes turn for her, like she was happily ever after, like married and everything was so good to her, and then life take turns and how ups and downs she's going to see in the series, that you will gonna love, and I think everyone will feel emotional about that. And about talking about Aram, so it has all the drama, thrill, and everybody can watch it. It has action and yeah, of course you're gonna love it. एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज जो स्टार कास्ट है दे आर वेरी गुड, लाइक बहुत फ्रैंक थे सब लोगों ने, बहुत अच्छे से काम किया साथ में, एंड थैंक्स टू डायरेक्टर सर, एंड ही वाज आल्सो लाइक सो गुड ऑन सेट, लाइक वी वर सो कंफर्टेबल। तो मेरे लिए ना वो प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज आई वाज स्केयर्ड कि मैं कैसे वो रोल को प्ले कर पाऊंगी बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इट वॉज गुड फॉर मी टू प्ले दैट, and thanks to Shauri for giving me that role, and I would say you'll definitely have to watch the show. Thank you Simmer ma'am for having me on board, that's all. Well, mera naam hai Manviju and in the series I'm playing as Chandni, and she is the girlfriend of Manu. It's a very deep character, very nice, she's very caring and you know very sweet, and at the same time she's always there for her guy. मुझे सच में बहुत मजा आया बिकॉज इट वॉज सो गुड फिल्मिंग विद दीज पीपल, द टीम इज सो ग्रेट, अमेजिंग टीम, एंड बहुत ही मजा आया आई वुड से, और हार्ड इट वॉज रियली वेरी हार्ड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमने गर्मी में भी शूट किया, एक्शन सीन्स थे काफ़ी, सो बट एट द सेम टाइम बिकॉज द टीम इज ग्रेट सो इट वॉज गुड। I would like to say I'm very thankful to Watcho app ki unhone mere ko ye chance diya, and it's great to be a part of like this entire family, Watcho family. It's a great app by the way. Yeah. Meri bari aayi hai, sab bolne shuru kar gaye. Ji sir. Ye galat baat hai. Sir, aapka naam? Mera naam Padam bola hai aur main isme Zaheer play kar raha hu Aram mein, aur main I'm playing a negative character isme. So For the first time I'm playing negative, so अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा actually. किस तरह का शो है? किस तरह का शो है?
आई थिंक सबने बोला ही है, आपको बताया कि एक थ्रिलर है और ड्रामा है, इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है और ट्विस्टेड कहानी है, बहुत ही ट्विस्टेड। तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा। सब टेंशन में है, अच्छा हाँ ये बात तो है, सस्पेंस है। वो ये भी सस्पेंस है, ये भी सस्पेंस है कि वो स्माइल क्यों नहीं कर रहा है। ये भी आरंभ है सीरियस रहने का। टाइटल के बारे में आरंभ एक्चुअली नाम काफी पावरफुल है तो हाँ बोलने में भी अच्छा लगता है। इतना ही है टाइटल में और क्या। थैंक यू। पहचाना नहीं? मेरा नाम करण ठाकुर है और आरंभ में मेरा नाम है सुनील ठाकुर। एज यू कैन सी एक ही इंसान है वर्दियों में जो कि मैं हूँ। आई नो क्योंकि आरंभ है, आरंभ अक्सर थोड़ा सा पेचीदा होता है तो इसलिए सबके चेहरे उतरे हुए हैं, बट इवेंचुअली जब ये शो की आप एंडिंग देखेंगे तो सब मुस्कुरा रहे होंगे उस वक्त। और एक कॉप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरह से केस सॉल्व करना है, किस तरह से जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठे करना है और जितने भी यू नो क्लूज हैं उनको इकट्ठा करना है। तो बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं हूँ यहाँ पे एंड आई विश जो मैं केस को सॉल्व करूंगा वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। काफी उम्मीदें हैं, वॉचो एक अपकमिंग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारे अच्छा कंटेंट है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की बहुत सारे साधन है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी के ड्रामा सब कुछ है यहाँ पे। सो वॉचो में आना, वॉचो ऐप में आना और आरंभ के साथ आना, काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। आई विश की डायरेक्टर को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, शौर्य हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, हम लोगों ने पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट साथ में किए हैं और सेट पे तो बहुत मज़ा आया बिकॉज जब एक फ्रेंडली एटमोसफेयर में आप काम करते हो तो काम नहीं लगता, काम मज़ा लगता है। कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल थी बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल और बिकॉज ऑफ द सीन्स, बिकॉज ऑफ द टेंशन, लेकिन वो होते 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 जब उनको हम लुक बैक करते हैं तो बहुत एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। ये एक वेब सीरीज है जहाँ पे आपको हर एक एपिसोड में कुछ नया फ्लेवर दिखता है, कुछ नया पता चलता है और जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है हर एक एपिसोड में आपको और ज्यादा सस्पेंस बिल्टअप होता हुआ नजर आता है। यार कॉप का एक्सपीरियंस हमेशा मजेदार होता है क्योंकि आप चेस करते हो, आप क्राइम सॉल्व करते हो, आपके हाथ में गन होती है, आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है और यूनिफॉर्म का ना एक अपना मजा है यार, एक अपना, चाहे वो सोल्जर की यूनिफॉर्म हो चाहे वो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चार्म आ जाता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे एक कॉप की भूमिका अदा करने को मिली। क्या जी सारे अनु, मेरा नाम रवि वर्मानी है एंड मैं बेसिकली पंजाब लुधियाना से हूँ और यहाँ पे मेरी वेब सीरीज में जो आरंभ वेब सीरीज है उसमें मेरा रघु का करेक्टर है, ये सपोर्टिंग नेगेटिव लीड करेक्टर है और जो कि मनीष सर के यानी तिवारी सर के साथ मैं सपोर्टिंग में हूँ और जो यहाँ पे एक स्वाति का करेक्टर है उसका भाई का करेक्टर मैं निभा रहा हूँ। और मुंबई में यही सोच के आया था, एक साल हुआ है मुझे यहाँ आए कि मैं लुधियाना से हूँ तो धर्मिंदर सर की मुझे याद सोचता था कि धर्मिंदर सर भी लुधियाना से आए थे और मुंबई में आके उन्होंने इतना नाम कमाया। तो जब मैं बॉबी देओल सर से मिला तो मैंने भी उनसे यही कहा कि मैंने कहा कि मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ और शुरुआत कहाँ से करूँ, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मेहनत करता रहे शुरुआत अपने आप हो जाएगी। तो मेरी पहली वेब सीरीज़ है आरंभ और वेब सीरीज़ का नाम भी आरंभ है और मेरी शुरुआत भी आरंभ से ही हुई है। तो होप सो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। एंड मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ बोली है और एक ही चीज़ मेरी एथिक्स है कि बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तो होप सो तालियां बजती रहेंगी एंड थैंक यू सो मच। और ये वेब सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ आगे भी देगा एंड थैंक यू सो मच आप सबका। मेरी ये पहली बार मैं मीडिया को ऐसे अपनी स्पीच दे रहा हूँ, अपनी बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पंजाब का सिंपल सा पंजाबी मुंडा हूँ तो मैनू ज़्यादा गलत नहीं आंदियाँ, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना भी मेरे कृष्ण ने दिया है सब कृष्ण ने दिया है कि मेरी कोई औकात नहीं है। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे जो भी कुछ मिला है मेरे श्री कृष्ण ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
थैंक यू। बहुत लोगों ने कहा, वैसे मैं भी कहूँगा कि बहुत अच्छा है और इट्स ऑल अबाउट सस्पेंस, मतलब जो बेसिक चीज़ है जो ऑडियंस को खींचेगी वो सस्पेंस है। एंड यू पीपल डिडंट आस्क माय नेम एंड कैरेक्टर, आई विल टेल, आई एम सार्थक एंड मैंने इसमें श्रीकांत के भाई का रोल प्ले किया है जिसका नाम मन्नू है, हु इज अ ड्रग एडिक्ट। क्योंकि आई एम अ ड्रग एडिक्ट एंड मेरा भाई मुझे माल नहीं पीने दे रहा है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी अपसेट। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। और ये जैसे हमने अभी ट्रेलर देखा तो ये मेरी, जैसे हम लोगों ने तो अभी एक घंटे का प्रोग्राम या दो तीन घंटे का प्रोग्राम रखा है, बट ये मेरी मेहनत कम से कम एक साल से चली आ रही थी इसको, इस शो को एक रूप देने की। एंड बॉचो ने हमको वो मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस शो को बना सके एंड इसको रिलीज कर सके और जनता तक ले जा सके। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, रियली ब्लेस्ड एंड विद अ ग्रेट स्टार कास्ट, विद अ ग्रेट चैनल टीम, इट्स रियली एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। I'm Ekta Kubari and I'm playing Swati in Aram. And I would really like to thank Shaurya for giving me this chance because I've taken a break for good 8 years. So, uske baad agar chance milta hai, to it's like Aram. I'm playing a doctor and I play a very important role in Shrikant's life. But wo aap jab story dekhoge, to aapko dheere dheere pata chalega uska build up kya hai. I am really, I feel blessed and मैं वैसे भी बहुत सारी कोरियन सीरीज देखती हूँ ये ऐप पे, because ज़्यादा कोरियन सीरीज यही ऐप पे देखने को मिलती है, so I'm really happy I'm part of this family. Yeah, thank you. शुभ सिंह है और मैं मजिस्ट्रेट बख्शी रोल कर रहा हूँ। और जहाँ तक वॉचो की बात है तो वॉचो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है जिसके पास हर तरीके के कॉन्टेंट है और हर जॉनर के लोग, हर उम्र के लोगों के कंटेंट वॉचो के पास अवेलेबल है, जैसे कि हमने देखा भी है। और कोरियन स्पेशली, कोरियन फिल्मों को डब करके और कोरियन फिल्म इंग्लिश में भी है, तो ये जो भी सिनेमा बफ लोग हैं जो देखना चाहते हैं अलग तरीके की फिल्में, उनके लिए वॉचो बिल्कुल एप प्लेटफॉर्म है, तो ये कहना चाहूँगा। और मेरा करेक्टर जो है वो मजिस्ट्रेट बख्शी का है, जो कि एक ऐसा करेक्टर है जो हीरो की लाइफ में, हीरो की लाइफ में काफ़ी बवाल लाता है और ज़्यादा रिवील नहीं कर सकूंगा इसके बारे में, क्योंकि जब आप सीरीज देखेंगे तब आपको इस कैरेक्टर की जो लेयरिंग है आपको मालूम चलेगी, दिखेगी भी। और ये सारा जो प्लान एंड प्लॉटिंग है वो किस तरीके से होता है इस सीरीज में। और सबसे खास बात ये कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं शौर्य, वो बहुत ही बाकमाल डायरेक्टर हैं। इनकी जो राइटिंग लेवल है, इनकी जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को, इस सीरीज को लिखा है वो, और जिस तरीके से लेयरिंग की है इन्होंने परत दर परत, इन्होंने एक सीन के बाद जो दूसरे सीन में जो इस तरीके से मूव होता है आप देखोगे बहुत स्मूथ पानी की तरह होता है, तो ये बहुत शानदार तरीके से ये सीरीज है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस सीरीज का पार्ट बन सका, वॉचो का पार्ट बन सका और इतनी प्यारी टीम का के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सो आई एम रियली थैंक्स टू यू मीडिया पीपल, आप लोग यहाँ पर आए, हमें कवर किया और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा लिखेंगे और वॉचो को अच्छे से प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच।